90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का आज है तीसरा दिन। पिछले दिन क्या किया था, हमने अपने ब्लॉग के लिए नीश सेलेक्ट किया था। तो मैं सुबह जैसे ही उठा, उसके बाद फिर मैंने डेली रूटीन की तरह मैं गया, चाय बनाया, उसके बाद मैं अपने सिस्टम के साथ बैठ गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में चाय पीने के बाद ही मैं काम पे लग जाता हूँ। तो कुछ काम ऐसे थे कि जो कि मेरे ऑफिशियल काम थे उनको मैंने कंप्लीट किया और देन मैं लग गया रिसर्च पे, यानी अपने काम के लिए, अपने चैलेंज के लिए। तो जो मेरा चैलेंज था, आपने देखा होगा कि हमने 90 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आज जो तीसरा दिन है उसमें हम करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग करते समय जो ब्लॉग पे कंटेंट जाता है, जो मेन कैटेगरीज होते हैं, उसका लिस्ट बनाने वाले हैं। ये मैंने इसलिए टॉपिक चुना एक दिन के लिए क्योंकि ये बहुत ही खास है और मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स का एक्सपीरियंस भी देखा है, वीडियोज भी देखे हैं, ईमेल्स भी देखे हैं। तो मुझे आइडिया लग गया था कि अगर आपका जो है पहले से प्लान रेडी नहीं होता है तो बहुत सारे ब्लॉगर्स ब्लॉग क्रिएट करने के बाद जाके स्टक कर जाते हैं, उनके पास कंटेंट आइडिया नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा अपना बना लूँगा कि क्या मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ अपने ब्लॉग पे। तो नीच हमारा स्टूडेंट फाइनेंस था तो उससे रिलेटेड मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ ब्लॉग पोस्ट पढ़े, कैटेगरी से रिलेटेड रिसर्च की गूगल पे, और ये रिजल्ट आया मेरे पास और ये मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। तो इस लिस्ट में आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने कुछ कैटेगरीज को डिफाइन किया होगा, एक है जो मेन कैटेगरी है, दूसरा है कि मैं क्या करने वाला हूँ उस कैटेगरी में। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे एक कैटेगरी उठा लेते हैं, स्टूडेंट लोन। तो स्टूडेंट लोन में आप देखेंगे मेरा मेन कैटेगरी है स्टूडेंट लोन, और उसमें जो कंटेंट लिखने वाला हूँ वो मैंने पहले से डिफाइन कर लिया है ताकि फ्यूचर में जाके मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने कंटेंट क्या डिफाइन किया है कि मैं स्टूडेंट के लोन के बारे में बताऊंगा कि वो जितने भी बैंक्स हैं वो कैसे स्टूडेंट को लोन देते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा जो गवर्नमेंट स्कीम आती है लोन से रिलेटेड या फिर लोन पे करने से रिलेटेड स्टूडेंट का, वो मैं बताऊंगा। ईएमआई कैसे भरना होता है, कब लोन जमा करना होता है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ इस मेन कैटेगरी में। और इसके बाद इंटरनेशनल लोन्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट इंडिया से अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। और दूसरा जो कैटेगरी आप देखेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब, तो इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम जॉब बताने वाला हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपना जेब खर्च, पढ़ाई का खर्च खुद से निकाल सकें, तो उनके लिए पार्ट टाइम जॉब क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में बताऊंगा। सिटी वाइज भी बताऊंगा इसमें, और इसमें ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ऑफलाइन जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें जिससे स्टूडेंट पार्ट टाइम अर्निंग कर सकें। तो ये इस तरह से मैंने कैटेगरी का लिस्ट बनाया है और ये बहुत हेल्प करता है जब आप ब्लॉग शुरू करने जाते हैं ना, तो अपने तीसरे दिन में यानी नीश सेलेक्ट करने के बाद आप पहले अपना पूरा लिस्ट बना लें कि मेन कैटेगरी क्या होगी आपकी ब्लॉग की और आप क्या कंटेंट लिखने वाले हों कैटेगरी में, तो बहुत हेल्प करता है। तो ये लिस्ट मैंने आज पूरा प्रिपेयर किया। आज का जो बोनस टिप्स है वो नए ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं या फिर आपने ब्लॉग शुरू किया है, तो आज जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ इसे नोट डाउन कर लो, ये आपका लाइफ बदल सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो कंटेंट स्टक कर जाते हैं, उनके पास कंटेंट आइडिया नहीं होता है, वो कंटेंट नहीं लिख पाते हैं। तो इसके लिए एक सुपर टेक्निक ये है कि आप जब अपना ब्लॉग शुरू करो तो पहले ही प्रिपेयर कर लो कि आपको किस तरह का कंटेंट देना है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ब्लॉग तो आपकी एनर्जी जो है सबसे टॉप पे होती है, मतलब आप रिसर्च भी अच्छे से करते हो, टाइम भी अच्छे से देते हो, सारी चीज़ें करते हो। बट जब ब्लॉग में धीरे धीरे आप टाइम स्पेंड करते जाते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती जाती है समय के साथ, और आप में उतना उत्साह नहीं रहता है ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। तो जो कैटेगरी लिस्ट आप पहले से बना लेते हो, जो कंटेंट आइडिया आप पहले से लिस्ट कर लेते हो, तो आपको कभी जाके फ्यूचर में नहीं दिक्कत होता और आपके ब्लॉग की जो सक्सेस की गारंटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, मैंने देखा है कि जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये ब्लॉग देखिए, ये ब्लॉग केवल मेक मनी पे बना है। इस ब्लॉग में आप देखिए सारे मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट है और इस बंदे ने पहले प्रिपेयर किया था कि इसे ब्लॉग शुरू करना है, मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट लिखना है और कोई भी कंटेंट टारगेट नहीं करना है। और आप देखेंगे इस ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो ये प्लान करके जब आप करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ये बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलने वाला है। और जो 90 डेज का ब्लॉगिंग चैलेंज चल रहा है इसमें आप इसको एक्सेप्ट करिए, इसके साथ जुड़िए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और 90 डेज में डेफिनेटली कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी मैंने कोई चीज़ पहले से खरीद के नहीं रखी, ऐसा नहीं है मैंने ब्लॉग पहले से बना लिया है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्क्रैच से हम कर रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है इसी तरह से प्रोसेस में जाएगा और आप जैसा करेंगे वैसा मैं भी करूँगा और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है 90 डेज देने के बाद, ब्लॉगिंग में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, नेक्स्ट 8 बजे।
टाइम नोट करके लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो 8 बजे रात को आता है। हर दिन ब्लॉगिंग चैलेंज का एक वीडियो आएगा 90 डेज तक लगातार। और ब्लॉगिंग इनसाइडर चैनल का नाम है, ये ध्यान रखना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर करिए।